हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। लोकप्रिय रेडियो शो मन की बात को कौन नहीं जानता। बीते रविवार को मन की बात का 110वां संस्करण देशवासियों ने सुना और इस बार का मन की बात काफी खास रहा। कारण ये रहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर का इसमें जिक्र हुआ। हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं। पीएम मोदी ने देश भर से सीतापुर की ड्रोन दीदी के विषय में चर्चा की। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। मन की बात कार्यक्रम के दौरान छोटे से गांव से जुड़ी महिला का पीएम ने जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 110 संस्करण में पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना से लाभान्वित ड्रोन दीदी का जिक्र कर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान फोन से बात कर एक मध्यम गांव से जुड़ी महिला सुनीता देवी से बात कर देश में महिलाओं द्वारा तस्वीर बदलने का नजीर पेश किया। पीएम मोदी से बात कर सुनीता बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें कॉल कर बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी से बातचीत के बाद सुनीता देवी ने बताया कि वो मचरेहटा विकास खंड के ग्राम गोंडा से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र सिकटिया में पहली बार उन्होंने ड्रोन को देखा, जिसके बाद उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि वो भी ड्रोन उड़ाएं। सुनीता देवी ने बताया कि पीएम लखपति दीदी योजना के तहत उन्हें ड्रोन मिला, जिसके बाद वो गांव में घूम घूम कर खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ड्रोन से करती हैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात होगी। आज तो आप एक तरह का कह जाए सेलिब्रिटी हो गए हैं, लगातार फोन भी आ रहे हैं। कभी ऐसा सोचा था? नहीं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब देश का माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। बहुत खुशी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे इस लायक समझा कि मुझसे समय निकाल के मुझसे बात की। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं महिलाएं पीछे रहती, लेकिन आप भी देखें जी। महिलाओं के लिए सर मेरा ये मानना है कि लोगों का कहना है कि घर के कामों से महिला बाहर नहीं निकल सकती, अगर महिला अपने ऊपर आ जाए तो महिला सब कुछ कर सकती हैं। और मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर का काम करने के बाद में मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है, जिसमें मेरे हस्बैंड बराबर सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने का पूरा अवसर मेरे हस्बैंड अगर ना दिए होते तो हम इस लायक हो सकता ना पहुंच पाते, ना इस यहाँ होते आज। ड्रोन दीदी क्यों कहते हैं आपको? ड्रोन दीदी सर एक मेरी अभी तक तो पहचान थी, समूह की दीदी के नाम से हम पहचाने जाते थे और मुझे अब ड्रोन दीदी के नमो ड्रोन दीदी के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अब मुझे ड्रोन मिला है तो ड्रोन के नाम से मुझे जाना जाता है। तो ड्रोन का क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप चलाते हो, किस लिए ये? सर ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब फार्मर जो होते हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं, उनको एक लेबर लगा के मतलब स्प्रे कराना होता है, एक तो समय की बचत होती है, इससे समय बहुत कम लगता है और जो काम पूरे दिन में होता है वो काम इसमें एक एकड़ 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है। सुनीता देवी ने बातचीत में बताया कि वो अब तक 35 एकड़ फसल की ड्रोन से स्प्रे कर सीतापुर में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ड्रोन को चलाने के लिए इलाहाबाद में प्रशिक्षण के बाद ड्रोन को लेकर सुनीता महिलाओं के लिए एक नजीर बनकर सामने आई। सुनीता ने बताया कि उनकी इस मेहनत और लगन के पीछे उनके पति और बच्चों का हाथ है। पीएम मोदी से मन की बात कार्यक्रम के दौरान बात होने पर सुनीता ने पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि आज देश के अलग अलग हिस्सों से उन्हें बधाई मिल रही है। दर्शकों, ऐसी मिसाल महिलाओं के सर को गर्व से ऊंचा कर देती हैं और एक बार फिर साबित हुआ कि महिलाएं किसी से कम नहीं। कैसी लगी आपको ड्रोन दीदी की ये जानकारी, कमेंट में जरूर बताइएगा।